आज मैं आपको वीडियो बनाने जा रही हूँ टॉप 5 लैपटॉप्स पर जो कि 40,000 के रेंज के अंदर ही आते हैं और बिल्कुल आपके बजट में आएंगे। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सर्च करके आपके लिए टॉप 5 लैपटॉप लाई हूँ जो बेस्ट से बेस्ट फीचर्स के हैं और प्लस अंडर बजट है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। तो मैं आपको बताती हूँ टॉप 5 लैपटॉप्स के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अड्डा। तो ये जितने भी लैपटॉप मैंने 5 लैपटॉप बताए सभी अंडर 40,000 के हैं जो कि बिल्कुल बजट में आ जाते हैं और बहुत ही चूज करके मैंने ये लैपटॉप बहुत ही सर्च करके चूज करे हैं। तो आप मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें लास्ट तक और अगर आपको इस रेंज में कोई लैपटॉप चाहिए तो मेरी ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगी लैपटॉप चूज करने के लिए। तो मेरी वीडियो के साथ लास्ट तक आप बने रहें। मैंने इन लैपटॉप को कुछ बेस पे कैटेगराइज किया है, जैसे कि इसका प्रोसेसर क्या है, इसका स्क्रीन साइज क्या होता है, इसके रैम की कैपेसिटी क्या होती है, प्लस इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, इसकी जैसे हार्ड डिस्क का टाइप क्या है, किस टाइप की हार्ड डिस्क है, प्लस इसका प्राइस क्या है और कुछ अदर फीचर्स में जैसे कि इसकी क्लॉक स्पीड यानी प्रोसेसर स्पीड क्या होती है, प्लस इसका वेट कितना होता है और इसमें कितने USB पोर्ट होते हैं। तो इस बेस पर मैंने इनको कैटेगराइज किया है। तो आइए देखते हैं। मेरे हर जो मैंने 5 लैपटॉप के बारे में आपको बताए हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दिया है, तो आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। 5th नंबर पर आपका आता है डेल इंस्पायरन 3505। मैंने कुछ का मॉडल नंबर भी दे रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। इसका प्रोसेसर Ryzen 3 Dual Core 3250U है। इसकी RAM कैपेसिटी की बात करें तो इसकी RAM कैपेसिटी 8GB DDR4 की होती है, प्लस 16GB तक भी इसे एक्सपेंडेबल होती है और इसे कर सकते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1TB यानी कि 1TB है, प्लस इसकी हार्ड डिस्क SSD टाइप है। इसका स्क्रीन साइज 15.6 इंच है। अब इसकी क्लॉक स्पीड की बात करते हैं। क्लॉक स्पीड मतलब इसकी प्रोसेसर की स्पीड कितनी होती है, तो इसकी प्रोसेसर की स्पीड 2.6 GHz होती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐप जब रन कर रहे होते हैं तो प्रोसेसिंग स्पीड उनको बहुत हाई चाहिए होती है, तो इसकी प्रोसेसिंग स्पीड 3.5 GHz तक भी जा सकती है। अब चलते हैं इसके USB पोर्ट, किस टाइप के इसके USB पोर्ट होते हैं। इसमें USB 3.2 का 2 पोर्ट है, इसमें USB 2.0 के 1 पोर्ट है, प्लस इसमें HDMI पोर्ट होता है, 1 होता है। अब आगे बढ़ते हैं मल्टी कार्ड स्लॉट, इसमें 3-in-1 कार्ड रीडर है। इसके बाद इसमें बिल्ट इन माइक्रोफोन एंड स्पीकर, इसका मतलब आपको अलग से माइक्रोफोन और स्पीकर खरीदने की जरूरत नहीं है, इसमें आते हैं। इसका वेट 1.83 केजी है और इसका प्राइस है 35,750 जो कि अंडर 40,000 है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। मैं अपने सारे लैपटॉप जो मैंने इसमें रखे हैं वो अंडर 40,000 ही रखे हैं, बिल्कुल बजट में। नंबर 4, Lenovo IdeaPad Slim 3। इसमें मैंने इसका मॉडल नंबर भी दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले इसके भी प्रोसेसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका प्रोसेसर होता है 10th Intel Core i3। इसके रैम की बात करें तो इसमें 8GB DDR4 रैम है जो कि 12GB तक एक्सपेंडेबल है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की तरफ चलते हैं, इसमें 256GB स्टोरेज कैपेसिटी है और इसका हार्ड डिस्क SSD टाइप है। इसका स्क्रीन साइज 14 इंच है। अब क्लॉक स्पीड यानी कि इसकी भी प्रोसेसर स्पीड की हम बात करें तो इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो 2.1 गीगाहर्ट्ज से 4.1 गीगाहर्ट्ज तक हो सकती है। अब इसका जो बैटरी बैकअप है वो 10 आवर्स है, यानी कि विदाउट आपका चार्जर 10 आवर्स तक ये चल सकता है। अब इसके USB पोर्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें USB 3.2 के 2 पोर्ट है, USB 2.0 का 1 पोर्ट है और HDMI पोर्ट इसमें 1 है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके मल्टी कार्ड स्लॉट की, तो इसमें भी 4-in-1 कार्ड रीडर है। इसका वेट 1.5 केजी है और इसका प्राइस है 35,750, तो ये भी इजी टू कैरी होता है, प्लस आपके बजट में ही है। लैपटॉप नंबर 3,
इसका नेम है Asus Vivo Book Ultra 40। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसके प्रोसेसर की हम बात करेंगे। इसका प्रोसेसर 10th जनरेशन इंटेल कोर i3 है। इसकी रैम कैपेसिटी की हम बात करेंगे। इसकी रैम 4GB DDR4 है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 512GB यानी कि गीगाबाइट है। और इसमें हार्ड डिस्क SSD टाइप है। इसकी स्क्रीन साइज की अगर बात करें तो उसका स्क्रीन साइज 14 इंच है। इसकी क्लॉक स्पीड यानी प्रोसेसर स्पीड की हम बात करें तो उसकी प्रोसेसर स्पीड वैसे तो 1.2 GHz है, लेकिन कुछ ऐप जब हमारे रन होते हैं तो हमारे प्रोसेसिंग स्पीड उसको बढ़ानी पड़ती है लैपटॉप को, तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड 3.4 GHz तक भी जा सकती है। और इसका बैटरी बैकअप है 7 hours, यानी विदाउट चार्जिंग ये 7 hours का बैटरी बैकअप देता है। अब इसके USB पोर्ट की बात करते हैं तो इसमें USB 2.0 के दो पोर्ट हैं, USB 3.1 टाइप A के एक पोर्ट है, USB 3.1 टाइप C का एक पोर्ट है और HDMI का एक पोर्ट है। अब इसके मल्टी कार्ड स्लॉट की बात करें तो इसमें माइक्रो SD कार्ड रीडर होता है और इसमें भी बिल्ट इन माइक्रोफोन एंड स्पीकर इसी में ही होते हैं, आपको अलग से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका वेट 1.4 kg है और इसका प्राइस है 38,990। नंबर 2 पर आता है अविता लाइवर V14 लैपटॉप और इसका मॉडल नंबर भी मैंने आप नीचे ब्रैकेट में दिया हुआ है। इसके प्रोसेसर की तरफ चलते हैं तो इसका प्रोसेसर भी Ryzen 5 क्वाड कोर 3500U है। इसकी रैम कैपेसिटी की अगर बात करें तो इसकी रैम कैपेसिटी 8GB DDR4 है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 512GB है और इसके हार्ड डिस्क SSD टाइप होता है। स्क्रीन साइज इसका 14 इंच है। अब चलते हैं इसके प्रोसेसर स्पीड यानी कि क्लॉक स्पीड की तरफ। इसकी प्रोसेसर स्पीड 2.1 GHz है, लेकिन जब कुछ ऐप रन करते हैं और उसको हाई प्रोसेसर स्पीड चाहिए होती है तो इसकी स्पीड 3.7 GHz तक भी जा सकती है। इसका बैटरी बैकअप 10 आवर्स तक है, यानी कि बिना चार्जर के ये 10 आवर्स तक चल सकता है। USB पोर्ट इसमें 3.0 का एक USB पोर्ट है, USB 2.0 का एक पोर्ट, USB 3.0 टाइप C का एक पोर्ट है और इसमें एक HDMI पोर्ट भी है जिसको हम माइक्रो HDMI पोर्ट बोलते हैं। मल्टी कार्ड स्लॉट की तरफ अगर चले तो इसमें माइक्रो एस कार्ड रीडर है। इसमें भी बिल्ट इन माइक्रोफोन और स्पीकर है तो इसमें आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। इसका वेट 1.25 kg है और इसका प्राइस है 38,990। नंबर 1 पर है HP 15S। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। इसका प्रोसेसर Ryzen 3 ड्यूअल कोर 3250U है। इसकी रैम कैपेसिटी की बात करें तो इसकी रैम कैपेसिटी 8GB DDR4 है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1TB यानी 1TB है, प्लस इसमें हार्ड डिस्क SSD टाइप है। इसका स्क्रीन साइज 15.6 इंच है। अब आगे चलते हैं इसकी क्लॉक स्पीड यानी कि प्रोसेसर स्पीड की तरफ। इसकी प्रोसेसर की स्पीड वैसे तो 2.6 GHz है, लेकिन जब इसको ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत पड़ती है, जब भी कोई ऐप रन होते हैं जिसको ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है तो इसकी स्पीड 3.5 GHz तक भी जा सकती है। इसका वेट 1.76 kg है। अब USB पोर्ट की हम बात करेंगे। इसमें सुपर स्पीड USB टाइप C का एक पोर्ट है और दो पोर्ट इसमें सुपर स्पीड USB टाइप A के है, प्लस इसमें एक HDMI पोर्ट भी है। अब इसके मल्टी कार्ड स्लॉट की बात करें तो उसमें 3-in-1 कार्ड रीडर है और इसमें बिल्ट इन माइक्रोफोन और स्पीकर होते हैं, मतलब आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। इसका प्राइस है 36,490। तो अगली वीडियो भी
मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग ही टॉपिक लेके आऊंगी जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। कैसी लगी मेरी ये वीडियो, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। मेरी मेल आईडी पर मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाय बाय फ्रेंड्स।